जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अविनाश का स्वागत करता हूं आप सभी का सरकारी परीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं। एसएससी का न्यूज है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे मेरे है ना, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की। अभी 22 फरवरी जस्ट एक नोटिफिकेशन आया, एक नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिस आया है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर वन के लिए। चलिए इस पीडीएफ को मैं खोलता हूँ, है ना। चलिए एक बार मैं आप लोगों के लिए बता भी देता हूं, देखो यहां पे ये नोटिफिकेशन आया आपके लिए बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, है ना, दिख भी रहा होगा। एक बार मैं बता भी देता हूं क्या इंफॉर्मेशन है। देखो यहां पे ये कह रहा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर वन 2022 ऑन 9/2/2023 एज पर द रिजल्ट राइट अप ऑफ टीयर वन एग्जामिनेशन मार्क्स एंड फाइनल आंसर की वेयर बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट कमीशन फ्रॉम 22/2/2023 onward। तो ये कहना ये चाह रहा है कि जो आपने देखा होगा कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया गया था भाई ग्रेजुएट लेवल का, आपको दिख रहा होगा कि सर ये 9 फरवरी को किया गया था और वहां पे उन्होंने ये भी बताया था कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 22 फरवरी को क्या हो जाएगा, आंसर किया जाएगा। लेकिन अब दूसरा स्टेटमेंट में देखो ये क्या कह रहा है, ऑल कैंडिडेट और कैंडिडेट are hereby informed that the marks and the final answer key of CGL 2022 tier 1 have now been rescheduled for uploading on the website on commission from 27 February 2023 to 13 March 2023। कहने का मतलब ये है कि देखो अभी MTS का भी चल रहा है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो मुझे जो मेरे हिसाब से जो ये है कहीं ना कहीं उसने क्या किया ना, कमीशन ने ये सोचा चलो ठीक है जो 22 को आने वाला था तो कहीं वेबसाइट क्रैश ना कर जाए, सीजीएल में बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है, तो इसलिए इसने बोला है कि 27 फरवरी से 13 मार्च तक आप क्या करेंगे, 13 मार्च 2023 तक आपके आंसर की फाइनल आंसर के आपके अपलोड हो जाएगा, आप उस समय तक वॉच कर लेंगे। दूसरी बात ये बच्चे कि जो सीजीएल का पेपर होने वाला है ना टीयर 2 के लिए, आप सभी एकदम आराम से तैयार हो जाओ, है ना। आपने देखा होगा वहां पे भी एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें आपको पहले रीजनिंग और मैथ करना, उसके तुरंत बाद ये स्टार्ट हो जाएगा दूसरा सेक्शन, फिर उसके बाद टाइपिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी सी ब्रेक मिलेगी, है ना। अभी बस आपको रिवीजन करना है, वो भी रिवीजन कैसा करना है वो मैं आपको बता देता हूं। ये नहीं कि अब बच्चा क्या करता है ना, अभी जैसे एग्जाम्स आते हैं तो वो पूरा पढ़ना स्टार्ट कर देता है, अरे मॉक लगाओ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिवीजन का मतलब ये होता है कि एक बार पूरे फॉर्मूलाज को देख लो, एक एक क्वेश्चंस कर लो, है ना, मैक्सिमम जो नोट्स आपने बनाकर रखे उसको एक बार वॉच कर लो, है ना, डेली पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, है ना, थोड़ी सी तैयारी और भी अपनी बढ़ा लो। दूसरी बात ये है कि अभी 1-60 तक का आप स्क्वायर राइट डाउन कर लो, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैं यही कहूंगा, है ना, क्यूब देख लो, 30 तक के टेबल को एक बार देख लो, समझ रहे हो कि नहीं समझ, ये आपकी स्पीड बढ़ाएगी। इस बार जो मेन मामला जो रहेगा वो स्पीड का रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ भी रही हो। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।